हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ नेसज पटेल। टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट पेस मेकर, दैट व्हाट इज पेस मेकर। बिफोर पेस मेकर आई वांट टू इंट्रोड्यूस यू आर ह्यूमन हार्ट विथ वेरी फ्यू पॉइंट्स। एज यू ऑल नो आर ह्यूमन हार्ट हैव फोर चैम्बर, द राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल एंड द सेकेंड वन इज राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। आपको ये भी पता होगा दैट आर ह्यूमन हार्ट हैव नंबर ऑफ 72 बीट्स पर मिनट, ओके, विच इज रेगुलेटेड बाय एसए नोड कॉल्ड साइनो एट्रियम नोड। एसए नोड यूज टू रेगुलेट आर ह्यूमन हार्ट, इज कंट्रोल्ड बाय एसए नोड ओनली। द रिदम ऑफ बीट्स ऑफ आर ह्यूमन हार्ट इज रेगुलेटेड बाय एसए नोड साइनो एट्रियम नोड। Due to some genetic orders, sometimes due to some genetic orders, due to some muscle damaging, due to some signaling problem, our SA node can't do their work very properly. So our human heart can face slowdown of rhythm of their beats. Okay. So in that case, we can use pacemaker, artificial pacemaker. Artificial pacemaker, अच्छा ये दिखता कैसे है? It is a small electrically gadget-like structure which is run by battery potential, which is implanted, which is used to implanted in a collarbone. ये heart को एक abnormal जो beat रहता है heart का, उसको एक normal level में लाने के लिए काम करता है. It is used to regulate the abnormal heartbeat. अगर मैं बात करूं पेसमेकर की, आर्टिफिशियल पेसमेकर की, तो ये मेनली थ्री टाइप्स के होते हैं. देर आर थ्री टाइप्स ऑफ पेसमेकर। द फर्स्ट वन इज सिंगल चैम्बर्ड पेसमेकर, द सेकंड वन इज डुअल चैम्बर्ड पेसमेकर एंड द थर्ड वन इज बाय वेंट्रिक्युलर चैम्बर्ड पेसमेकर। इन द केस ऑफ पर्सन हु इज फेसिंग प्रॉब्लम इन हिज हार्ट विथ राइट वेंट्रिकल एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल, वहां पे हमको यूज करना पड़ेगा बेटा बाय वेंट्रिक्युलर चैम्बर्ड पेसमेकर। अगर ये दोनों वेंट्रिकल्स में अगर कोई इशू है किसी पर्सन के हार्ट में, तो हमको ऐसे नोट पेसमेकर, आर्टिफिशियल पेसमेकर को यहां से पोटेंशियल देना पड़ेगा दैट वेंट्रिकल्स कैन डू देयर वर्क वेरी प्रॉपरली और ये जो ब्लड का सर्कुलेशन ये चलता रहे। इसको हम ब्लॉकेज ऑफ वाल्व, स्लो डाउन ऑफ हार्ट बीट, किसी भी तरीके के प्रॉब्लम से हार्ट के प्रॉब्लम में यूज़ कर सकते हैं आर्टिफिशियल पेसमेकर को। अच्छा, ये पेसमेकर जो है ये एक जनरल आज इंट्रोडक्शन है पेसमेकर का। आफ्टर फ्यू डेज इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल टीच यू द होल मैकेनिज्म ऑफ पेसमेकर, दैट हाउ पेसमेकर इज यूज टू रेगुलेट द होल मैकेनिज्म ऑफ हार्ट बीट एंड हाउ इट इज यूज टू मेंटेन आर रिदम ऑफ हार्ट बीट, इरेगुलर रिदम ऑफ हार्ट बीट। सो ये पेसमेकर जो है, ये जो अगर बात मैं करूँ सिंगल चैम्बर्ड पेसमेकर की, तो अगर किसी प्रॉब्लम किसी पर्सन को प्रॉब्लम है राइट ऑरिकल या फिर राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल या फिर लेफ्ट वेंट्रिकल, तो उस चैम्बर पर हमको पोटेंशियल देना पड़ेगा थ्रू आर्टिफिशियल पेसमेकर। अगर किसी पर्सन को प्रॉब्लम है डुअल चैम्बर्ड वाला या फिर राइट ऑरिकल की बात करूं या फिर राइट वेंट्रिकल को, हमको पोटेंशियल देना पड़ेगा वहां पे थ्रू आर्टिफिशियल पेसमेकर। मैंने बता दिया है बाय वेंट्रिकुलर चैम्बर्ड पेसमेकर वहां काम आएगा जहां पे नीचे लोअर साइड में राइट एंड लेफ्ट दोनों साइड में, अगर दोनों साइड के चैम्बर्ड में राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल में अगर कोई इशू है, तो उसको रेगुलेट करने के लिए हमको बाय वेंट्रिकुलर चैम्बर्ड पेसमेकर का यूज करना पड़ेगा। ओके, दो सो इट इज़ ऑल अबाउट अ पेसमेकर विच इज़, मैंने बता दिया कि ये एक स्मॉल गैजेट लाइक स्ट्रक्चर है, बैटरी से इसको चलाया जा सकता है, ये बैटरी से ही रन होता है। ओके, इलेक्ट्रिकली गैजेट है, ठीक है। इसका कॉस्ट क्या हो सकता है? सो इट इज़ डिपेंड अपॉन द ब्रांड्स, इट इज़ डिपेंड अपॉन अ ग्रेट ब्रांड हैव ग्रेट कॉस्ट। नियरली अ गुड पेसमेकर रेंज इज इन बिटवीन 75,000 to 1 lakh और मोर देन 1 lakh। अगर मैं बात करूं इसकी बैटरी लाइफ की, तो इट विल इट्स बैटरी लाइफ इज इन बिटवीन 8 years to 10 years। सो बेटा, दिस इज़ द होल इंट्रोडक्शन अबाउट पेसमेकर। आफ्टर फ्यू डेज आई विल टीच यू द होल मैकेनिज्म। टिल द डे, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।